नमस्कार जी सभी को, आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। चलो चलिए चलते हैं वही पढ़ाई के नए दौर में, लौटा लाते हैं उसी पढ़ाई के दौर को। आज मैं बहुत ही छोटे से, प्यारे से और खूबसूरत से टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने यहाँ पर खड़ी हूँ। बहुत सारे एग्ज़ाम में क्या होता है कि आप लोगों को कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते, और अब आजकल तो वैसे भी जो स्कूल एग्ज़ाम्स हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, लाइक प्लस टू टेंथ, वहाँ पर भी कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड टू द स्टूडेंट्स। अब बिना कैलकुलेटर्स के कैलकुलेशंस करनी, अरे बाबा ये तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यही सब आज हमें डिस्कस करना है। अब आज के लेक्चर के बाद आप, आई एम 100% श्योर कि ये गाना गाएंगे, ओ ओ जाने जाना आज हमने स्क्वायर रूट को पहचाना। तो चलिए गाना गाना बंद कीजिए और चलते हैं हम अपनी आज की डिस्कशन पर, हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट्स। जो आज तक का आपका मेथड रहा है, नॉर्मली टीचर्स भी आप लोगों को कहते हैं कि आप बेसिक से ये स्क्वायर रूट लर्न कर लीजिए, लाइक रूट वन इज इक्वल टू वन, रूट टू आपको पता है, अरे वाह आप कहेंगे ये तो मुझे पता है, इट इज़ 1.414, एंड रूट थ्री बड़े कॉमन से जो रूट्स हैं 1.732, रूट फोर इज़ टू, रूट फाइव इज़ 2.236, रूट सिक्स इज़ 2.4494, इसी तरीके से रूट सेवन 2.6457, रूट एट 2.8284, रूट नाइन थ्री, रूट टेन दिस, रूट इलेवन दिस। आपको ये कहा जाता रहा है कि आप रूट इलेवन तक वैल्यूज़ जो है उनको क्रैम कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, और बाकी सारे इनके मल्टीप्लायर्स की फॉर्म में सॉल्व हो जाते हैं। सो इट बिकम्स क्वाइट टीडियस, क्वाइट डिफिकल्ट ना, आपको ये इतनी सारी चीज़ें लर्न करना हम लोगों को थोड़ा कम पसंद है। लेकिन एक ऐसी चीज़ जो आपको लोअर क्लासेस में टीचर्स ने बड़े आराम से लर्न करवाई होते हैं, टेबल्स, पहाड़े, वो आप सबको आते हैं। उन्हीं को अगर हम अपना बेस बनाएं और कुछ कैलकुलेशंस हम करें तो बड़ा आसान हो जाता है स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना। उसके लिए देखिए एक टेबल लेकर मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ। आपको पता है वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन होता है, कुछ पर्टिकुलर रूट्स ऐसे होते हैं जो आपको पता होते हैं। फोर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे इट विल बी टू, थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन, इसी तरीके से 16 का स्क्वायर रूट विल बी फोर, 25 का फाइव, 36 का सिक्स, 49 का सेवन, 64 का एट, 81 का नाइन, 100 का टेन। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि टीचर्स आपको एटलीस्ट 30 तक टेबल जरूर लर्न करवाते हैं। और कुछ एक ऐसी वैल्यूज हैं जो बार 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 कैलकुलेशंस में आती हैं और आपको वैसे ही लर्न हो जाती हैं, जो हमारा दिमाग है। कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पर परत निशान, कि अगर आप बार 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 प्रैक्टिस करते हैं, ये बार बार अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, बार 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 प्रैक्टिस करने से, जड़, जड़ मतलब स्थिर, स्टैटिक, मति बुद्धि, कि अगर किसी की बुद्धि स्थिर है, अगर कोई हम कहते हैं कि मेंटली डिसऑर्डर्ड भी है, वो भी जड़मति हो सुजान, सुजान मतलब वो भी विटी हो जाता है, उसमें भी बुद्धिमानी आ जाती है। एंड उसके बाद ये कहा जाता है कि रसरी आवत जावत ते सिल पर परत निशान, कि बार बार बार, पुराने टाइम में क्या होता था, लेडीज सर पे मटका उठा के जाती थी कुएं से पानी निकाल कर आती थी, तो बार 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 कुएं से जब पानी निकालती थी तो पत्थर पर रस्सी के निशान पड़ जाते थे। दैट इज़ व्हाट दे टॉक अबाउट प्रैक्टिस। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए हम बात करते हैं स्क्वायर रूट की। मान लीजिए, लेट अस सपोज मैं आपको कहूँगी कि आप रूट 66 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कीजिए। मैं इसमें आपकी नंबर लाइन जो आपने छोटी क्लासों में क्लासेस में पढ़ी हुई है उसकी बात ज़रूर करूँगी। रूट 66, आपको पता है कि ये जो 66 है इट कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, आपको नहीं पता कि ये कंप्लीट स्क्वायर किसका बनता है। अब मैं नंबर लाइन की अगर बात करूं, आप इसके आसपास कंप्लीट रूट्स देख लीजिए किसके बनते हैं, 66 66 66, यहाँ पर इन दोनों के बीच कहीं पर ये छुपा बैठा है ये चोर, इसका मतलब है ये किसके बीच में आ रहा है, रूट 64 एंड रूट 81 के बीच में ये आ रहा है। रूट 64 हमें पता है इट इज़ 8 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट 8 होता है, एंड रूट 81 वी नो दैट इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 होता है। अब तरीका क्या है, आपको ये समझ आ रहा है कि अगर मैं नंबर लाइन पे चलूं, कहानी नंबर की नंबर लाइन पे, कहानी स्क्वायर रूट्स की नंबर लाइन पे, आपको पता है इसकी वैल्यू 8 और 9 के बीच में कहीं पर लाई करेगी, इट विल बी 8 पॉइंट समथिंग। अब वो जो समथिंग है, वो जो कुछ है, वो कुछ हमें ढूंढना है। उसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बता रही हूँ, उसके बाद आप बार 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 प्रैक्टिस करेंगे, आप अप्रॉक्सीमेट आंसर्स तक बड़े आसानी से पहुँच जाएंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इन दो नंबर्स का डिफरेंस देखना है। मैं ये देखना चाहती हूँ कि इन दोनों के बीच में गैप कितना है, और वो यहाँ पर गैप कितना है, मतलब इस पूरे गैप को हमने किस तरीके से कैलिब्रेट करना है इन इक्वल पार्ट्स। तो देखिए 66
-64, मतलब 64, 66 जो है 64 से कितना दूर है? 2। अब आप गाना गा सकते कितने दूर कितने पास। तो देखिए इसके बाद आपको ये जो गैप है यहाँ पर देखना है इसके साथ 81 -64, और आपको पता है 81 -64 इज नथिंग बट 17। इसके बाद यानी कि यहाँ पर ये जो टोटल गैप है ये 17 है, और 17 में से 2 डिविजन्स जो हैं वो आपको देखनी है कि कितनी वैल्यू कितनी होगी उसकी। सो बेसिकली आपको क्या लेना होगा? नथिंग बट फ्रैक्शन, टुकड़े किए ना आपने, इसका मतलब यू नीड फ्रैक्शंस। तो आप अब क्या कीजिए, यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय 17 कर दीजिए, और ये होता है 0.117, इट कम्स आउट इक्वल टू 0.117। और बहुत आसान रहेगा, इसका मतलब है कि ये जो रूट 64 है, रूट 64 से 0.117 पॉइंट दूर है। और कहाँ पर? नीचे आ जाइए नॉर्मल नंबर लाइन पे 8। सो मैं क्या लिखूंगी, मेरा जो आंसर होगा रूट 66, इट विल बी 8.117, क्वाइट इजी। और अगर आप इसी वैल्यू को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेटर से रूट 66 की वैल्यू होती है 8.124। तो देखिए कितने दूर कितने पास हम हैं, कितने पास है ये। अगर आप 2 ही डिजिट्स तक इसको करें, आप इसको भी राउंड ऑफ करेंगे, सो इट विल बी 8.12। और नॉर्मली आप 1 या 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल लेकर ही कैलकुलेशंस करते हैं। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट स्क्वायर रूट इन वेरी इजी मैनर। तो चलिए अब एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों को दूंगी, सो डू दिस। एक बार फिर से देखिए हम लोगों को क्या करना है, जो भी नंबर आप लोगों को दे रखा है, सपोज 66, आपको इसके फैक्टर्स नहीं पता, लेकिन इसके पास कंप्लीट स्क्वायर रूट किसका बनता है वो देख लीजिए कि इन दोनों के बीच में आता है, और उससे कितना दूर है ये देखने के लिए हम क्या लेंगे, फ्रैक्शंस। सो लेट अस डू। अब एक प्रॉब्लम मैं आपको दूंगी, प्रॉब्लम बहुत छोटी सी है, उसका सॉल्यूशन भी उतना ही छोटू सा है। सो चलें, दिल है छोटा सा, प्रॉब्लम है छोटी सी, सो सॉल्व स्क्वायर रूट ऑफ 230, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द स्क्वायर रूट। तो देखिए करिए इसको, आपको पता है रूट 230, ढूंढिए 230 कहाँ छुपा बैठा है, 230 इन दोनों के बीच में कहीं छुपा बैठा है। इट मीन्स इट कम्स इन बिटवीन रूट 225 एंड रूट 256, और ये आपको पता है इसका स्क्वायर रूट होता है 15, इसका होता है 16, इसका मतलब ये 15 और 16 के बीच में कहीं होगा, दैट मीन्स इसका आंसर 15 पॉइंट समथिंग होगा। अब वो समथिंग, वो कुछ कुछ जो है वो हमें ढूंढना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमें देखना है कि ये दोनों आपस में कितने दूर हैं। सो 230 - 225 इट इज़ इक्वल टू नथिंग बट 5। इसी तरीके से अब हमें देखना है कि ये टोटल में कितना दूर है, ये कितना बड़ा इंटरवल लिया है आपने, कितने आदमी थे, कितने इंटरवल के अंदर पॉइंट्स थे, वो हमें देखने हैं। सो इट विल बी 256 - 225, इट विल गिव यू द लेंथ ऑफ होल इंटरवल, इट विल बी 31। अब आपको क्या करना है कि ये जो है ये कितना नज़दीक है इसके, इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, फ्रैक्शन। सो 5/31, सॉल्व दिस फैक्टर एंड यू विल गेट 0.161, कितना आसान रहेगा। और मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 15 पॉइंट समथिंग था, वो समथिंग मैंने ढूंढ लिया, सो इट विल बी 230 इज इक्वल टू 15.161। ये वो आंसर है जो मैंने निकाला है अपने दिमाग से, अपनी कैलकुलेशन से, अपनी अप्रॉक्सीमेशन से। और जो कैलकुलेटर का आंसर होता है वो देखिए ध्यान से, वो कितना होता है, 15.165 रहता है इस केस में, इफ़ यू सॉल्व दिस वैल्यू बाई यूजिंग कैलकुलेटर। तो कोई बहुत ज़्यादा दूर इससे नहीं है, ये इसके पास पास है, 15.161 और 15.165। और अगर आप दो दो डिजिट्स तक काम करते हैं, सो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ एनी टर्म वेरी इजिली, यू कैन डू दिस। तो चलिए एक छोटी सी प्रॉब्लम और करते हैं, एंड आफ्टर दिस वी विल एंड दिस लेक्चर विद अ ब्यूटीफुल ऑन अ ब्यूटीफुल नोट। तो एक बड़ी सारी वैल्यू मैं देती हूँ, सॉल्व कीजिए आप उस वैल्यू को। मैं क्या करती हूँ कि इस सीरीज़ के एंड तक कुछ दे देती हूँ, कुछ डिफिकल्ट, कुछ बड़ा, तो छोटा सा झटका कुछ बड़ा हो जाए। तो देखिए 841 और 8900 इसके बीच में, लेट अस सपोज आई गिव यू √845, सो पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द स्क्वायर रूट। करिए जल्दी से करिए इसको, आपको पता है इसकी वैल्यू इन दो डिजिट्स के बीच में कहीं पर आएगी, इन दो नंबर्स के बीच में आएगी, तो इट विल बी √841 और √900,
इन दो डिजिट्स के बीच में इसकी कहीं पर वैल्यू है, और आपको पता है रूट 900 इज नथिंग बट कंप्लीट स्क्वायर रूट ऑफ 30, एंड रूट 841 इज कंप्लीट स्क्वायर रूट ऑफ 29. आपको पता है इसकी वैल्यू 29 और 30 के बीच में कहीं पर लाई करेगी, कहीं पर आएगी, और यानी कि हमारा जो आंसर रहेगा वो 29 पॉइंट समथिंग रहेगा, वो समथिंग, वो कुछ हमें कैलकुलेट करना है. उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये देखो पहले ये दोनों भाई महाशय कितने दूर हैं एक दूसरे से. ये दोनों भाई भाई 845 माइनस 841 इट विल बी इक्वल टू 4. कितना आसान रहता है ये. अब आप देखिए कि ये किस डिब्बे में बिठा रखे हैं, वो डिब्बा कितना बड़ा है. सो 900 माइनस 841, 900 में से फटाफट 841 माइनस कीजिए, इट विल बी 59. सो इट विल बी 59, सही किया ना मैंने, 91 इज, हाँ ठीक है. तो अब देखिए, अब हम ये देखना है कि ये 59 पूरा इंटरवल है, इसमें से मुझे 4 मतलब उसका चौथा हिस्सा, उसका 1/4 चाहिए. तो मैं क्या करूँगी, इट विल बी 4 डिवाइडेड बाय 59. 59 के 4 पार्ट्स मुझे आंसर में चाहिए. सो इट विल बी 0.0677. आप इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा. अब मुझे पता है मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 29.0677. दिस विल बी रूट 230. और अगर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे इट विल बी 29.068. और जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे इट विल कम आउट रूट 230 इक्वल टू 29.0688. अगेन देखिए कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस इन वैल्यूज़ में नहीं है, तो ये बड़ी क्लोजर, बहुत पास पास ये वैल्यूज़ आई हैं. तो यही थी कहानी स्क्वायर रूट की. इन दिस वे आप बड़ी आसानी से इनको कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडे, एंड वी विल मीट विद अ वेरी ब्यूटिफुल टॉपिक आफ्टर दिस लेक्चर. थैंक यू सो मच.